नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भ्रम के चलते कोरोना वैक्सीन लगवाने से कर रहे हैं लोग परहेज। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को लेकर के एक तरफ जहां सरकार चिंतित है और इससे बचाव के सारे उपाय कर रही है, तो वहीं कुछ लोग गलत भ्रांतियों के चलते वैक्सीनेशन करवाने से इनकार भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वैक्सीनेशन की वजह से बुखार आएगा जो लंबा खींचेगा और आगे चलकर इससे मौत भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला जिले के सिलोई ब्लॉक के ग्राम पंचायत क्रूरा में देखने को मिला, जहां प्राथमिक विद्यालय में कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया और ग्रामीणों को सूचित किया कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। लेकिन दोपहर 11:30 बजे तक सिर्फ 2 लोग ही टीकाकरण के लिए आगे आए। स्वास्थ्य कर्मी महिमा ने मीडिया को बताया कि कुछ गलत भ्रांतियों के चलते लोग टीकाकरण कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये टीका कारगर नहीं है, इससे बुखार आता है और ठीक नहीं होता है, जिसके कारण मौत हो जाती है। इस डर से टीकाकरण कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि जबकि ऐसा नहीं है, टीकाकरण बहुत ही कारगर है। जिन लोगों को किडनी, शुगर, कैंसर और हार्ट की बीमारी है, उनकी मौत होती है तो वो कोरोना को बदनाम करते हैं। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव वालों को प्रेरित करने के लिए मैंने एक टीम लगा रखी है, शाम तक 10 से 15 लोग टीकाकरण करवाने आएंगे। यह पूछे जाने पर कि 8 महीने में मात्र 2 लोग ही टीकाकरण के लिए आ गया है, तो ऐसा में आपका गांव कैसे कोरोना मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक योजना तैयार की है जिसमें सिक्रेटरी, ADO, BDO, कोटेदार व लेखपाल के माध्यम से कि टीका न लगवाने वालों को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ न दिया जाए जब तक कि टीकाकरण का प्रमाण पत्र न दिखाया जाए। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ये कौन सी ग्राम सभा, कितने वैक्सीनेशन आज की डेट में आपके हुए हैं और क्या समस्या आ रही है आपको? जी, मेरा नाम महिमा है, CHO हॉस्ट में है, चतरा बुजुर्ग। कूरा ग्राम सभा के अंदर आज हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, PS कूरा में, प्राइमरी स्कूल कूरा में हो रहा है। तो आज हमारे यहाँ अभी 2 लाभार्थी आए हैं, बाकी इन्फॉर्म कर दिया गया है सबको वैक्सीनेशन के लिए। और 2 लाभार्थी आए हैं जिसमें से अभी हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं भाई वैक्सीनेशन लगा लो, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी दवा नहीं है, और हमको फीवर आता है तो फीवर ही ठीक नहीं होता है, और फिर उसके बाद में फीवर आने के बाद काफ़ी लंबा फीवर होता है। मतलब ये भ्रांति ऐसा कुछ नहीं है, फीवर ठीक हो जाता है। ये लोगों में क्या कई ऐसे बीमारी है, किसी को किडनी की है या फिर कैंसर है, उनकी वजह से डेथ हो रही, तो भी लोग कहते हैं वैक्सीनेशन से ही डेथ हो रही है। ये सब बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन से अच्छी है, सेफ है। और प्लस पॉइंट ये है कि इस वैक्सीन को लगाने से अगर कोविड पॉजिटिव भी हो जाता है कोई, तो प्लस पॉइंट है कि जल्दी ठीक हो जाता है, इससे डेथ नहीं होती है। जी, किस तरीके से विकास करने के लिए आप तैयार हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजू दुबे है, मैं ग्राम प्रधान पूरा प्रतिनिधि हूँ। और सबसे पहले तो पूरी ग्राम सभा को, आप सभी मीडिया कर्मियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। और अब आगे रही बात काम की, जिस दिन से रिजल्ट आ गया उसी दिन से मैं तुरंत 2400 घंटे ग्राम सभा की विकास सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। और सबसे पहला मेरा अभियान कोरोना को लेकर है कि कम से कम मैं पूरे देश की नहीं तो अपने ग्राम सभा पूरा की सुरक्षा के लिए चिंतित रहूं। उसके लिए मैंने 20-25 लोगों को कम से कम प्रेरित किया, लोगों ने टीका लगवाया। आज हमारे यहाँ ग्राम सभा पूरा विद्यालय में कैंप लगा हुआ है कोरोना टीका से संबंधित। इसके लिए मैं सुबह से लगातार प्रयासरत हूँ और 5-6 लोग आ चुके हैं, और शाम तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 10-15 लोगों को टीकाकरण हो जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरी ग्राम सभा कूरा में कोरोना घुसने न पाए, और अन्य सभी कामों के लिए मैं चिंतित हूँ, जैसा ईश्वर चाहेंगे तैसा। कोरोना में अगर देखा जाए तो आपके गांव में कैंप लगा हुआ है, बीते 8 दिनों में 8 भी लोगों को अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में लोग क्यों टीका नहीं लगवा रहे हैं? लोगों को टीका लगवाने से मर जाने का डर है, लोगों में अशिक्षा है, अज्ञानता है, एक गलत प्रकार की अफवाह है। लोगों के बीच में मैं जाता हूं जीत की बधाई देने, वहीं उनको समझाता हूं, बुझाता हूं, अपनी टीम को लगा रखा हूं, लोगों में जागरूकता आ रही है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में मेरी पूरी ग्राम सभा कोरोना मुक्त हो जाएगी। जब टीके नहीं लगवाएंगे ऐसी कंडीशन में, तो उनके खिलाफ किस प्रकार के आप जो है अपने अधिकारियों जिम्मेदारों को किस तरीके से जो है हिदायत देंगे? जो कुछ अराजक तत्व या शरारती तत्व या कुछ ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से नहीं मानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने
एक योजना तैयार करी है अपने यहाँ पंचायत में से लेके कोटेदार से लेके सेक्रेटरी और एडीओ बीडीओ या लेखपाल इन सबको एक राय दी जाएगी कि ये सब अपनी अपनी जो सेवाएं हैं वो ग्राम सभा के लोगों को अगर टीकाकरण का कार्ड नहीं है तो सरकारी सेवाएं ना दें देने पर रोक लगाएं तो ये सारे लोग टीका लगवा लेंगे।